नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीआर पर। रोजी रोजगार हम एक वक्त तक ही खोजते हैं, जब वो वक्त समाप्त हो जाता है उसके बाद हम रोजगार नहीं खोजते। हम बात कर रहे हैं उस अवस्था की, जिस अवस्था में हम सब आराम करना चाहते हैं, यानी कि एक वक्त जब उम्र ढल जाती है, यानी कि जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम रोजगार तो नहीं ही ढूंढते हैं, हम घर में बैठते हैं और अपने परिवार वालों के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। जो रिपोर्ट्स सामने आए हैं उसमें यह पता चलता है कि रोजगार यहाँ न केवल किशोर ढूंढ रहे हैं बल्कि बुज़ुर्ग भी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, ये रिपोर्ट हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। और बता दें कि पुरुष व महिला के साथ ही किन्नर भी अब रोजगार बिहार में ढूंढ रहे हैं। देश में बेरोजगारों को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर पंजीकरण करने की सुविधा दी गई है। पंजीकरण के बाद कंपनियों की ओर से जॉब फेयर या रोजगार मेला का आयोजन कर इन्हें रोजगार दिया जाता है। रोजगार मेला में वही शामिल हो सकता है जो पंजीकरण करता है। जी हाँ, और एनसीसी पोर्टल पर ये लोग होते हैं जो अपना पंजीकरण करवा चुके होते हैं, और उसने जो रिपोर्ट दिया है वो चौंका देने वाली रिपोर्ट है। इस कारण देश के राज्यों की तर पर बिहार में भी एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए बेरोजगारों के बीच होड़ मची है। बीते सितंबर तक बिहार में 12,30,018 लोगों ने पंजीकरण किया है, और इनमें 9,85,740 पुरुष हैं तो 2,43,171 महिलाएं हैं। रोजगार के लिए 218 किन्नरों ने पंजीकरण किया है। बिहार में रोजगार मांगने वालों में वैसे लोग सबसे अधिक हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जबकि रोजगार मांगने वालों में स्नातक पास दूसरे पायदान पे हैं। देश में 7,34,638 लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया जो स्कूल नहीं गए हैं। इसमें से केवल बिहार के 5,37,878 लोग हैं। नवी पास की संख्या 11,388 है, दसवीं पास की संख्या 1,51,648 है, ग्यारहवीं पास की संख्या 3,417 है, बारहवीं पास की संख्या 2,75,525 है, तो दसवीं पास कर डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले लोगों की संख्या 9,304 है। लोग स्नातक पास की संख्या जो है वो भी बताते हैं, वो है 1,73,156, तो पीजी पास कर पंजीकरण करने वालों की संख्या है 23,221 जो रोजगार मांग रहे हैं। पोर्टल पर रोजगार पा चुके लोगों ने भी पंजीकरण किया है। 9,69,994 बेरोजगारों के साथ ही 7,299 ऐसे लोगों ने पंजीकरण कराया है जो पहले से ही किसी रोजगार में है। 15,445 लोगों का अपना रोजगार है, मतलब सेल्फ बिजनेस है, जबकि 2,818 ने अप्रेंटिस की पढ़ाई की है। वहीं 2,13,151 लोगों ने नहीं बताया है कि वो रोजगार में हैं या नहीं है। संख्या के लिहाज से बात करें तो 25 से 34 वर्ष के युवा सबसे ज़्यादा हैं। रोजगार मांगने वालों में उम्र की तुलना करते हैं तो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे का प्रतिशत है। 18 साल से कम उम्र वाले 82,616 बच्चों ने देश में रोजगार के लिए पंजीकरण किया है। इसमें से 12,788 बच्चे बिहार के हैं, जो कुल 15.48% हैं। 55 से 64 साल के बीच 1,30,949 लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण किया है। इसमें से 3,707 बिहार के हैं, जबकि 64 साल में अधिक उम्र वालों में देश में 48,390 लोगों ने पंजीकरण किया है, जिसमें से अगर देखें तो 731 लोग बिहार की हैं। तो संख्या के लिहाज से देखें तो 25 से 34 साल के युवा सबसे अधिक हैं, और इस उम्र में देश में 52,70,349 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण किया है। इसमें से बिहार के 6,92,423 युवा बिहार के हैं, जो कुल का 13.14% है। तो ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, और ख़ास तौर से बेरोजगारी की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट से भी आप साफ देख सकते हैं कि बिहार के ही लोग ज़्यादा रोजगार की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।